साथियों, आज के इस वीडियो में हम निसान की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट से जुड़ी हुई दो खबरों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से एक है इसके प्रोडक्शन पर जो कुछ असमंजस की स्थिति चल रही थी उसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है, और साथ ही एक और जो खबर निकल के आ रही है वो ये कि कंपनी जल्दी ही मैग्नाइट की प्राइस बढ़ाने वाली है। तो कितनी प्राइस बढ़ेगी, कब तक बढ़ने की संभावना है और क्या कुछ हो सकता है, सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि निशान की मैग्नाइट से जुड़ी हुई छोटी से छोटी खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथियों, जो पहली खबर है वो आप जानते हैं, इसके प्रोडक्शन को लेकर कुछ इशू चल रहा था, एक अंतरिम समझौता हुआ था यूनियन और प्रबंधन के बीच में, जिसके तहत कुछ 5 दिनों तक इनका प्रोडक्शन कुछ सीमित तरीके से चल रहा था। लेकिन अब जो नई खबर आ रही है उसके अनुसार मैग्नाइट और अन्य सभी कारों का प्रोडक्शन पूर्व की भांति ही जारी रहेगा। आप जानते हैं ये मैटर हाईकोर्ट में भी चल रहा था, तो वहां के हाईकोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी मांगे हैं कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उन पर अमल किया जाए, और साथ ही प्रोडक्शन कंपनी चाहे तो पूर्व की तरह ही पूरी क्षमता के साथ कर सकती। तो ये एक अच्छी खबर थी। लेकिन इसके साथ ही एक और निराशाजनक खबर, वो ये कि कंपनी जल्दी ही अपनी इस सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी की प्राइस बढ़ाने वाली है। आपको बता दें कि मैग्नाइट की प्राइस इससे पहले भी बढ़ चुकी है, लेकिन अब एक और बार इसकी प्राइस बढ़ेगी, और ऐसी खबरें आ रही है कि जून अंत तक ही ये प्राइस बढ़ जाएगी। यानी कि प्राइस कितनी बढ़ानी है, क्या करना है, जो फाइल है वो तैयार है, ऑन टेबल है, जब भी इस पर निर्णय होगा, या कहें कि बहुत जल्द इस पर निर्णय हो सकता है। कारण क्या है, वही रटे रटाए कारण कंपनी बताएगी कि कच्चे माल की कीमत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है और इसी वजह से हमें अपनी कारों की कीमत बढ़ा रही है। आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले ही रेनो ने भी अपनी सभी कारों की प्राइस बढ़ाई थी, काइगर सहित सभी कारों की प्राइस उसने भी बढ़ाई थी, और यही कारण गिनाए थे, तो यही कारण अब निशान भी गिनाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि कितनी प्राइस बढ़ेगी इस मामले में, या कहें कि इस बात पर हालांकि अभी असमंजस की स्थिति है, अनुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन सटीक फिगर तभी बाहर आएंगे जब कंपनी घोषणा करेगी। लेकिन एक अनुमान के अनुसार आपको बता दें कि लगभग 10,000 से लेकर के 30,000 के बीच तक प्राइस बढ़ सकती है। वेरिएंट वाइज अलग अलग प्राइस बढ़ेगी। यदि आप अपना मनपसंद वेरिएंट ले रहे हैं तो आप इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखिए कि हो सकता है आपको ये गाड़ी 10,000 से 30,000 रुपये तक अब महंगी मिले। हालांकि ये लागू कब होगा प्राइस बढ़ी हुई, तो कंपनी का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार देखें तो कंपनी जब भी प्राइस बढ़ाने की घोषणा करती है उसी दिन से इसे लागू करती है। तो यदि उससे पहले आप अभी जब तक इसकी घोषणा नहीं हो जाती तब तक मैग्नाइट को बुक करवा लेते हैं तो आपके लिए ये एक अवसर रहेगा कि आप जो वर्तमान प्राइस है उस पर उस कार को जब भी आपको वो डिलीवर होगी, क्योंकि मैग्नाइट उन कारों में शामिल है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटिंग चल रही है। महिंद्रा की थार के बाद ये दूसरी कार है जिस पर 10 महीने तक का वेटिंग जा रहा है कहीं कहीं, तो कहीं ना कहीं आपको ये काफ़ी लेट मिलेगी, लेकिन फिर भी पुरानी प्राइस पर मिल सकती है, ये हम आशा कर सकते हैं। खैर साथियों, कार की जो डिमांड है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रभाव इसका, जो बड़ी प्राइस होगी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसकी मांग वैसे ही बनी रहेगी। तो वीडियो के अंत में साथियों, आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।